मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 9:43 एंड मार्केट में अब यहाँ पर एक डायरेक्शन मिलने वाला है। जहाँ से देखिए मिडकैप निफ्टी में मेरे पास एक सिग्नल आ रहा है, 30 मिनट्स पर नोट कर लीजिएगा, 30 मिनट्स पर सिग्नल आ रहा है कि यहाँ से निफ्टी में एक रिवर्सल बाइंग का रिवर्सल। डब्ल्यू चार्ट पैटर्न, लुक एट दिस डब्ल्यू चार्ट पैटर्न में निफ्टी 15,25,070 का भाव पर दिखाई दे रही है और हम कॉल ऑप्शन ले सकते हैं फाइनली। तो यहाँ पर कॉल का रिकमेंडेशन कर देते हैं फाइनली, जो कि मैं ऑलरेडी अलर्ट बोल चुका हूँ, बट वेटिंग फॉर द सिग्नल। लुक एट दिस, अभी भी सिग्नल में कमी कमजोरी है, नोट कर लीजिएगा। तो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, वेट करेंगे अभी भी। एंड मार्केट अभी भी बोल रहा है कि यदि आप निफ्टी की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर 25,200 की जो कॉल ऑप्शन है, इसमें हम लोग ट्रेड आएगा तो तकरीबन 7-8 रुपए के भाव पर लाइव चल रही है 9:44 पर। एंड यहाँ पर क्वांटिटी लेने का काम शुरू करेंगे, बट निफ्टी के जो टारगेट एक्सपेक्ट करते थे हम लोगों ने पहले, तो निफ्टी पहला टारगेट होगा 25,132। यदि इस लेवल के ऊपर ब्रीच करता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फिर हम खुले नीले आसमान में पहुंचते हुए दिखाई देंगे, क्लियर कट है ना, तो याद रखना है। और रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम है और रिलायंस इंडस्ट्री तकरीबन भी फ्लैटेस्ट चल रहा है अभी भी। तो और कॉल पुट की वैल्यू गिर रही है, नेगेटिव है, मगर कॉल की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, तो हम आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं टोटली, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर बाइंग करना है, गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी। तो हम रेडी कर लेते हैं कि इसको हम ये सिग्नल शूट कर देंगे, आने में एक झटके में ही आएगा वो ऑपरेटर, तो 9-10 क्या और ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखो इस तरीके से ऑपरेटर का प्लानिंग होता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तुरंत, फिर भाग जाएगा। हाँ, सेकंड नहीं देगा, मौका नहीं देगा दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तुरंत, डालने के लिए रेडी है। देखो निकल रहा निकल रहा निकल रहा, तो ये हमने सेटअप पे तकरीबन डाला है आउट ऑफ द मनी 9-10 डाल दिया, यहाँ पर तकरीबन डाल दिया लाइव, है ना, ध्यान से देख लीजिए हमने। अब वो लेना है लेना, तो गाइस मैंने ऑपरेटर का स्ट्रेटजी डाल दिया है, सिग्नल ऑलमोस्ट कमिंग है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बाय करो, स्मॉल स्मॉल, याद है स्मॉल क्यूटी बाय, बाइंग करनी है स्मॉल क्वांटिटी में, बाइंग करनी है, जल्दीबाजी मत करना। सिग्नल प्रॉपर नहीं है बट पुट साइड की वैल्यू डीके हो रही है, कॉल साइड की वैल्यू सस्टेन कर रही है। इस सस्टेनेबिलिटी मुझे लगती है कि अचानक से एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। 30 मिनट चार्ट स्ट्रांग लग रहा है मुझे निफ्टी का, कल भी स्ट्रांग थी, स्ट्रेंथ थी, और यदि जैसे ही निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई काटेगा तो उसके बाद तो धमाका हो ही जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट लेवल देखो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है कि मैं मार्केट यहाँ पर 9:45 9:46 की कैंडल हो चुकी है, नोट कर लीजिएगा तकरीबन 13 मिनट। जैसे ही हाई कटेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रसाद बटने का काम होगा, लड्डू टूटेगा मार्केट का। ध्यान से देखो निफ्टी ऊपर जाता हुआ, कॉल ऑप्शन की वैल्यू उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, बट वो ध्यान रख लेना, ये चीज हमको क्लैरिटी होनी चाहिए ऑलरेडी, वो स्पीड नजर नहीं आ रही जो हमको वॉलेटिलिटी चाहिए, जो स्पीड चाहिए वो मार्केट्स में मिसिंग है। इसी वजह से मैंने बोला ज्यादा क्वांटिटी परचेस नहीं कर, आराम आराम से काम करो, सोच समझ के काम करना है। 25,200 की कॉल ऑप्शन 8 से 9 रुपए में, बस इतना बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिग्नल तकरीबन बनेगा तो 15-16 के आसपास बनेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत खरीदारी करने में बुराई नहीं है, यदि किसी को लेना है तभी मौका है, मौका यदि चले जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर एक कॉलर पुट की, तो यहाँ पर हाई लगा दिया ऑप्शन ने 12 रुपए का तकरीबन, धमाका 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 चालू होता हुआ। और निफ्टी पहले पहचानना था, देखो मैंने बोला था 9:45 की कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, निफ्टी जोरदार रिकवरी, निफ्टी में रिकवरी, नया हाई 14 का हाई लग गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14 का हाई, 14 प्लस हो चुका है, हम 14 प्लस हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 14 के ऊपर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक
यदि 14 के ऊपर निकलते हैं अब तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनली सिग्नल स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारे निफ्टी को हम लगा लेते हैं यहाँ पर हम 50 में, और यहाँ पर भी एक सिग्नल चेकिंग ले लेंगे और बड़ा धमाका देखने को मिलेगा ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, 14-15 जैसे निकलेगा तो 20-25 के लिए भागता हुआ दिखाई देगा, और चलने से पहले पकड़ना था, चलने के बाद तो पूरी दुनिया बोलती है कि हाँ ले भैया देखो धमाके के लिए तैयार है हम लोग, ऑलमोस्ट धमाका आ जाएगा। देखो दिख रहा है गया 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 नया हाई, नया हाई 15-15-15 बहुत बढ़िया निकल गया 15-15.5 बहुत बढ़िया। देखो पीएनएल तो चल ही रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा पीएनएल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। निफ्टी भी हाई लगा रहा है तकरीबन 6,000-6,400 का पीएनएल है लाइव, है ना, फटाफट ठीक है। 1200-1300 क्वांटिटीज है अभी भी स्टिल हमारी, ठीक है क्वांटिटी भी ठीक है हमारी इस जगह पे, अभी एक दो बड़े और झटके लग जाएंगे। देखो 25-30 तो आराम से आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके क्या करेंगे 25-30 पर जाने के बाद कि हम लोग हम जैसे ही ऑल टाइम हाई काटेंगे, देखो ऑल टाइम हाई के करीब करीब पहुंच रहे हैं निफ्टी को लेकर, हम लोग नया हाई लग गया, लो 15-16 हो गया ऑलमोस्ट हो गया 16+ हो गया। अरे एक लाइक तो कर दो कंजूस हो इतने भी लाइक, ये ना ये लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ये है आप लोगों जो देखते हो ना मेरी ये रिकॉर्ड हो रही है झटके लगने के लिए सीधे 35-40 के झटके लगने के लिए। तो मतलब जो 6 रुपए का ऑप्शन है हमारा 8 रुपए का ऑप्शन है 35-40 हो जाएगा, उसके ऊपर 70 जाए 90 जाए 100 जाए जाने दो, क्योंकि आपसे लेके तो बहुत जा चुका है ये पैसा, इससे लेकर दिखाओ आज पैसा, है ना, लिटरली बोलता हूँ। तो वो चीज करनी चाहिए आप लोगों को भी, झटका 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 झटका। तो बोले ऑपरेटर ऑपरेटर का सेटअप तो देखो, ऑपरेटर ने बोला टारगेट अभी भी स्टिल है हमारा मिनिमम वाला 17-18 के आसपास का है, 17-18 का टारगेट आएगा। देखो अभी भी यहाँ पर मिनिमम का बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम तो अभी भी बहुत लंबा है मेरा टारगेट, तो इसी ऑप्शन का ऑप्शन की वैल्यू जो चाहिए मुझे 30-31 चाहिए, तो 19-20 के आसपास एक हर्डल है, उनके आसपास हर्डल है नया हाई लगाने के लिए। रेडी गया 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 ले लो 15-16 गया, शूट 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 17 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निकल गया 18 बहुत ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस 9-18 डबल वहां पे 10-18 और 20 हो गया ले बहुत बढ़िया निफ्टी ऑल टाइम हाई निफ्टी ऑल टाइम हाई बहुत ही बढ़िया स्टेटस। इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, दिख गया अरे दिखा के नहीं दिखा, है ना, इसको बोलते हैं हलवा मेकिंग नहीं है ये कोई, है ना, नया हाई लगाने के लिए रेडी हम लोग जल्दी जल्दी गाइस। नया हाई लग गया आपकी आंखों के सामने 20 हो गया हमारा ऑप्शन बहुत बढ़िया, 20 को ब्रेक करना चाहिए नेक्स्ट 20-25 ब्रेक होना चाहिए। निफ्टी को जरा जाके देख लेते हैं, एक हर्डल के करीब करीब जाके रुकावट आई है। देखो पहले बोला था मैंने 20 आ जाएगा ऑप्शन हमारा, वो आ गया, तो 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी हमने, ये ऐसे काम करना है तरीका। ऑपरेटर को भी ना पैसा देना नहीं है, लेके आना उससे, ऑपरेटर ने हमको पैसा दिया तो भैया थोड़ा सा ले लो बुक कर लो, है ना, लालच मत करो कि नहीं 10,000 आ रहा 20,000 आ रहा है तो बुक नहीं करूंगा सर मैं बुक नहीं करूंगा। यदि आप बुक नहीं करोगे ना 50% तो वही फंस जाओगे, क्या वो आपको और लालच देगा ऊपर जा रहा ऊपर, मगर अचानक से ऊपर जाएगा और अचानक से फिर गिर जाएगा ना, तो फिर आप बोलोगे राकेश जी फंस गया मैं, तो ये वाली कहानी है ना। तो देखो झटका लगेगा आप नया एक थर्ड झटका लगेगा, थर्ड झटका जो सीधा ऑल टाइम हाई के लिए लगेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है उस जगह पर, तो इतने में तो हम 35 के करीब करीब तो पहुंच जाएंगे 28-30 के करीब करीब तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। ऐसे देखो गया 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 गया, तो ये मार्केट पकड़ में आ गया था। देखो 30 मिनट के चार्ट पे हमने वो ऑपरेटर को पकड़ लिया, जब मैंने बोल लिया ना 30 मिनट को बोल रहा है भैया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम क्या है, शॉर्ट टर्म है और बहुत लंबी रैली है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ ये बहुत लंबी रैली है आज, यदि ये ऑप्शन 70-80-90-100 भी हो जाए मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यही वाला ऑप्शन 25,200 क्योंकि लंबी रैली मुझे लगती है, क्योंकि 25,135 के ऊपर जाके हम खड़े हो गए ना, तो यहाँ से इतने झंडे गाड़ेगा ना मार्केट आज ही तो दिख जाएगा, आज ही दिख जाएगा एक्सपायरी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, रिलायंस इंडस्ट्री का भी थोड़ा प्रेशर रहेगा,
रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रहा है भैया, देखो तो ठंडा ही पड़ा हुआ, हालांकि उसका कोई वो नहीं है ज्यादा तो कोई दिख नहीं रहा है, बट एक कंडीशन दिख रही है कि टारगेट लगता है 25-26 तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 25-26 देगा ही देगा, उसके ऊपर निकलता है तो 35-40 ले आओ भैया, झटका झटका झटका। अब स्टॉप लॉस धीरे से ऊपर कर देंगे, है ना, स्टॉप लॉस ऊपर कर लो 15-16 करके छोड़ दो, अब इंतजार करना पड़ेगा। वन टाइम का गाइस प्रॉफिट बुक हो चुका, वन टाइम का प्रॉफिट बुक हो चुका, एक बार का हमने 10 बार का 10 रुपए का तकरीबन 16-17 रुपए तो ले ही दिया, पूरा की पूरा प्रॉफिट उठा लिया हम लोगों, 2-3 रुपए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो स्टॉप लॉस में चलेगा उतना, ठीक है, सुबह सुबह प्रॉफिट पीएनएल मिल गया है। अभी लोगों क्या बोलते हैं, राकेश जी मैंने आपको एक डाला ना फेक ऐप वाला, फेक एप्लीकेशन वाला, वो तो आपको दिखाएंगे कि भैया हम लोगों हम तो लाख रुपया में रोज का कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, देख लो इसका सबूत यह है कि मैंने आपको रील भेजी, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया ये गलत ऐप है, गलत तरीके से उपाय यहाँ पर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी आप लेके छोड़ देंगे, जैसे ही मुझे लगता है जैसे हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक होगा ना तब एक लिमिटेड क्वांटिटी लेके छोड़ देंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए, अब लेके मैं छोड़ दूंगा बस, अब यहाँ से, अब यहाँ पर मैं खेलने कूदने वाले काम नहीं करेंगे, ठीक है, ले लिया मैंने आप छोड़ देंगे, छोड़ दो यहाँ पर 32 चले जाएगा तो अब देखेंगे उसके बाद, मतलब 25-26 और उसके ऊपर निकलेगा तो देखेंगे आगे कहानी में, झटका लगने के लिए तैयार। तैयार तो है मार्केट अब यहाँ पर, तो जैकपॉट 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 रेडी गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है अगेन, एंड 16 रुपये हमारा प्रीमियम है एंड क्वांटिटी खड़ी है, झटका लग जाए तो सीधे 22-25 का और 28-30 उसके बाद तकरीबन 35 का यहाँ पर झटका लग सकता है हमारी 25,200 की कॉल ऑप्शन पे। रेडी 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 आ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए क्योंकि टेक सम टाइम, क्योंकि हमारा सेटअप तो बोल रहा है यहाँ पर, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा मना करता हुआ यहाँ पर, आज बैंक निफ्टी परेशान करता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, एक बार क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई, ये हमने मार्किंग करके रखा हुआ, एंड 25,132 का गया 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 16-17 प्रीमियम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ, गया 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 तकरीबन, बहुत बढ़िया अच्छा है, 17-18-19 के करीब करीब, 20 के करीब करीब, धमाका 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 शॉट चाहिए, एक लंबा शॉट चाहिए जो कि सीधे 25-30 को लेकर जाए, लंबा लेके जाए, याद रखिएगा जब तक शॉट नहीं मिलेगा लंबा थोड़ी सी परेशानी रहेगी मार्केट में, एक शॉट चाहिए मार्केट में। आज अब स्टॉक्स में दिक्कत आ रही, लिटरली बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, बड़ा परेशान कर रहा है अब स्टॉक्स, वेब वर्जन बड़ा परेशान कर रहा है बड़े दिनों से, कि कंप्लेन ही मारनी पड़ेगी सीधा। वो चीज जो होती है ना कि 8-10 रुपए के ऑप्शन एक आने से 20 हो गए तो पैसा डबल हो गया, तो वो चीज जो हुई ना तो उससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर मौजूद थे, मगर अब जैसे सस्टेन कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि अब यहाँ पर एक रिटेलर फंस चुका है, थिंक कि ज्यादा उम्मीद कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कि टिके यहाँ पर कुछ प्रीमियम में निकल जाए।